सिंध में गुजशत 14 सालों से पीपल्स पार्टी हुक्मरान पार्टी है। सिंध की आवाम को हुक्मरान पार्टी किस तरह बना दी हकूक फराम करी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांगढ़ संजो रोड पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से चंद कदमों पर वलीदात बरोही गांव में साबिक वजीर अजम मोहम्मद खान जोनेजो के दौर में दो कमरों पर मुश्तमिल स्कूल कैंप किया गया, जो 2005 की सैलाब के बाद स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, जिसकी वजह से गुजशत कई सालों से स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ शदीद गर्मी, शदीद सर्दियों और धूप बारिशों में वलीदात बरोही स्कूल के बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ने पर मजबूर, करीब से गुजरने वाले कनाल से पानी पीने पर मजबूर है। जदीद दौर में नए पाकिस्तान में भी वलीदात बरोही स्कूल के बच्चे बगैर किसी सरकारी सहूलत के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अगर इन हालात में भी गाँव वलीदात बरोही के बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आने वाले दिनों में इस स्कूल या इलाके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे या बच्चियाँ किसी बड़े सरकारी अहदे पर पहुँच सकेंगे? जानते यहाँ से मुंतखब होने वाले सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेसी को वलीदात बरोही प्राइमरी स्कूल जो कि मेन रोड पर दरख्त के नीचे कैम है एक अरसे से नजर नहीं आ रहा, मगर इलेक्शन में वोट लेना नहीं भूलते। दूर से समर की है कि अगर तब्दीली सरकार और जरदारी सरकार चाहती है कि सिंध के गरीब आवाम भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें तो उनको बुनियादी सहूलियत फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी।